So today we are embarking on an exciting journey from the Nubra Valley to the hidden gems of Turtuk and Thang village. Leaving Nubra Valley behind, our journey takes us towards the remote village of Turtuk, जो कि almost India और पाकिस्तान के border पे located है and it is a second last village of India. उसके बाद हम लोग जाएंगे Thang village में. Arriving in Turtuk feels like stepping into a different world altogether. This charming village was inaccessible to the tourists until recently. Preserving its unique culture and tradition, the friendly Balti people welcome us with their open arms. तुर्तुक में आने के बाद आपको फील होता है कि मतलब this place is isolated from the entire world. As we explore Turtuk, we are captured by its rich heritage. The village offers a blend of Tibetan and Baltic influences, reflecting in its architecture, cuisine, and the way of life. तुर्तुक में टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम लोग निकले थांग विलेज के लिए. So, जैसा कि मैंने बताया, थांग is actually located at the India-Pakistan border. तो यहाँ से आपको एक 50 रुपीज़ पे करके आपको एक बाइनोकुलर लेना होता है एंड उस बाइनोकुलर से आप लिटरली इंडिया और पाकिस्तान का LOC देख सकते हो. तो थांग की स्टोरी यहाँ पर लिखी हुई है. तो 1971 के पहले ना थांग एंड फर्नू विलेज वाज पार्ट ऑफ इंडिया, बट उसके बाद LOC की वजह से फर्नू जो विलेज है वो गया पाकिस्तान में एंड थांग विलेज जो है वो इंडिया का हिस्सा बन गया. थांग विलेज से वापस आने के बाद हम लोग गए थे सैंड ड्यून्स, बट सैंड ड्यून्स पे काफ़ी अंधेरा हो चुका था एंड मेरे को रास्ता नहीं समझ में आ रहा था. तो वी वर हेडेड बैक टू द होटल. तो जहाँ तक होटल की बात करें तो यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल होटल इन द नुब्रा वैली. तो हुंडर करके एक जगह है, वहाँ पे यू हैव दिस होटल कॉल्ड ओनपो होटल. मेरे को इसकी डिटेल्स ऑनलाइन मिली थी, सो आई हैड अ वर्ड विद द ओनर. हिज नेम इज मिस्टर गैल्पो. ही इज़ अ वेरी वेरी स्वीट गाय. होटल्स के जो कॉस्ट है समवेयर बिटवीन 2000 to 3000 रुपीज़ पर नाइट, जिसमें आपका सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का खाना इंक्लूडेड होता है. द रूम्स आर प्रिटी टाइडी, वेरी ब्यूटीफुल एंड बाहर की जो लोकेशन है इट इज़ ऑल्सो प्रिटी सीरीन. आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इन हुंडर. तो आई वुड रिकमेंड इफ यू आर कमिंग टू नुब्रा वैली एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ब्यूटीफुल प्लेस, there wouldn't be any better place than the Onpo Hotel. And उनकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी है. मतलब it is not just the place, it is not just the hotel, it is not just the owner, but the staff as well. मतलब जो staff भी है ना, staff also treat you very respectfully and उनकी service is next level. So I didn't expect this kind of service in Nubra Valley. When I was back from Turtuk and Thang, हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, मतलब डिनर के टाइम पे नहीं आए थे. तो वी वर अ बिट टायर्ड एंड हंग्री. तो उन्होंने चाय खुद से भिजवाई थी विच वॉज अ कॉम्प्लीमेंट्री टी. उसके बाद दे ऑल्सो सेंट ऑफ चिकन लॉलीपॉप विच वॉज अगेन कॉम्प्लीमेंट्री. दिस वॉज द जेस्टर विच आई लाइक अबाउट देम. इफ यू आर कमिंग टू नुब्रा वैली एंड इफ यू वॉन्ट टू अरेंज अ स्टे फॉर योर सेल्फ, दिज आर द डिटेल्स डाउन बिलो फॉर मिस्टर गैल्पो. अगेन ही इज द ओनर ऑफ ओनपो होटल एंड आई एम श्योर ही विल गिव यू अ ग्रेट डिस्काउंट ऑन द रूम्स. द रीजन वाई आई कांट शो यू द रूम्स इज़ बिकॉज मैं ना अपनी फाइल्स ट्रांसफ़र कर रहा था फ्रॉम द मेमोरी कार्ड टू द लैपटॉप एंड फ्रॉम लैपटॉप टू द पेन ड्राइव. क्या स्टोरी है ये आपको मैं आगे बताऊँगा, बट वाइल्स डूइंग दैट मेरी ना बहुत सारी फाइल्स करप्ट हो गई थी. अप्रॉक्सीमेटली 200 मेरी फाइल्स कुछ करप्ट हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा फुटेज सारा का सारा तबाह हो गया. दाल चावल उसके साथ में अपने को खीर मिली है इन स्वीट. मैं जब से निकला हूँ ना मुंबई से, मुझे दाल चावल मिला ही नहीं कहीं पे खाने के लिए. एंड टुडे लास्ट डे इन नुब्रा एंड डिनर में यू नो व्हाट, देयर इज़ दाल चावल. तो भी खा के इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा फुल घर वाली फीलिंग आ रही है। आई एम सो हैप्पी। मतलब खाना नेक्स्ट लेवल है, एंड खाने से ज़्यादा नेक्स्ट लेवल क्या पता है, मतलब इधर की जो सर्विस, इधर जो मोहब्बत के साथ ये लोग सर्व करते हैं ना, इट इज़ लाइक ऑसम। दिस इज़ माई लैपटॉप। यहाँ पे मेरी फाइल्स मूव हो रही है। तो आई हैड 128 GB मेमोरी कार्ड, एंड इतने दिन का जो शूटिंग मैंने किया था वो मेमोरी कार्ड उसकी वजह से फुल हो गया था, एंड आई न्यू दिस इज़ गन हैपन, एंड जिसकी वजह से मैंने एक 128 GB का मैंने पेन ड्राइव कैरी करा था अपने फ्रेंड के पास से, एंड आई वाज जस्ट प्लानिंग कि मतलब कैसे मूव करूँगा। तो ऑनपो होटल में जहाँ पे मैं हूँ, तो मैंने उनके ओनर से बात किया था, मिस्टर गाल्पो से मैंने चैट किया। मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा सीन है, मेरा मेमोरी फुल है एंड आई कैन नॉट शूट फर्दर। मेरे पास पेन ड्राइव है, मेरे को सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए ताकि मैं कार्ड से पेन ड्राइव में मूव कर सकूँ। तो ही सो स्वीट कि ही एक्चुअली सेंट द लैपटॉप टू माई रूम। तो मैंने फटफट कार्ड कनेक्ट किया, सारा फुटेज लैपटॉप में लिया, एंड अभी वही लैपटॉप से जा रहा है पेन ड्राइव में, और मैंने कार्ड को कर दिया फॉर्मेट, एंड आई एम रिकॉर्डिंग इट ऑन द ब्लैंक कार्ड नाउ। तो इसमें आई थिंक 7 दिन का और फुटेज मैं कैप्चर कर सकता हूँ। प्लान ये था कि आज जल्दी निकलूँ पैंगोंग जाने के लिए अराउंड 8 बजे के आसपास, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से लेट हो गया। तो नाउ वी आर एट द ब्रेकफास्ट काउंटर। कॉफ़ी है यहाँ पे मेरी। दिस साइड वी हैव द टोस्टेड ब्रेड, यहाँ पे जैम और बटर, और उसी के साथ में हम लोगों ने मंगाया बर्जी, उसके साथ हम लोगों ने मंगाया ब्रेड ऑमलेट। सो नाउ लेट्स हैव द ब्रेकफास्ट। गुड आफ्टरनून, या इट इज़ आफ्टरनून नॉट मॉर्निंग। तो अभी कुछ 4:30 बजे और मैं अभी तक नुब्रा वैली में ही हूँ। मेरे पास ना गोप्रो जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें 128 GB का मेमोरी कार्ड होता है, जिसमें मैंने अप्रॉक्सीमेटली 7 दिन का वीडियो शूट करा हुआ है फ्रॉम चंडीगढ़ टिल नुब्रा वैली। तो यहाँ पे मैंने आज ही सुबह को ऑनपो के जो ओनर है उनसे रिक्वेस्ट करके उन्होंने मेरे को लैपटॉप दिया, फिर लैपटॉप मैंने ट्रांसफ़र के लिए रखा। आधा घंटा 1 घंटा करते 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 पूरे 5 घंटे मेरे बर्बाद हो गए सिर्फ ट्रांसफ़र करने के लिए। एंड मेरा प्लान ये था कि आज जाऊँगा पैंगोंग लेक एक्सप्लोर करके, फिर कल के दिन हानले निकलने का प्लान था, बट अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट वर्क आउट। डिस्टेंस इज़ अराउंड 191 किलोमीटर्स, जिसके लिए अराउंड 5 से 6 घंटे लगेंगे, एंड अगर मैं 2 बजे निकलता हूँ तो फिर बहुत लंबी हो जाती थी, मैं पूरा एकदम डार्क होते होते पहुँच जाता था, विच डिडंट मेक सेंस। तो इसलिए मैंने पैंगोंग का प्लान कैंसिल कर दिया। अब इसका मतलब ये होगा कि मैंने जो आइटनरी बनाई थी जिसमें त्सोमोरिरी भी मैंने इंक्लूड करा हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली नाउ आई हैव टू कैन द त्सोमोरिरी, तो त्सोमोरिरी नहीं जाऊँगा। तो आज मैंने स्टे यहाँ पे एक्सटेंड करा हुआ है, सेम एट ऑनपो होटल। इन्हें यहाँ की सर्विस काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, तो टुडे विल बी अगेन स्टेइंग एट ऑनपो, एंड टुमारो अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकलेंगे पैंगोंग के लिए। तो कल पैंगोंग एंड परसों हानले जाएंगे, उमलिंगला पास जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है, एंड देन विल बी गेटिंग बैक टू ले। तो अभी ये आगे का प्लान है, जस्ट होप कि कोई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस ना हो। तो नाउ हम लोग नाश्ता करें एंड हम लोग नीचे आए, एंड अभी बाइक पर बैठ के हम लोग जाएंगे नुब्रा वैली में जो सैंड ड्यून्स हैं वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि वो एक चीज़ नुब्रा वैली की रह गई थी। तो लेट्स रोल फ्रॉम हियर नाउ। गाइस फाइनली वी हैव रीच द नुब्रा वैली। यहाँ पे इसका पार्किंग एरिया है, ये अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, हेलमेट यहीं पे बांध दिया हम लोगों ने, एंड द स्मॉल वुडन ब्रिज। तो अभी यहाँ से चल के हम लोग को वो साइड पे जाना है, तो वो साइड पे यू हैव द डेजर्ट सैंड ड्यून्स, एंड वहाँ पे आपको कैमल सफारी मिल जाएगी वहाँ पे। दिस इज द हुंडर सैंड ड्यून्स। Gorgeous silver sand dunes are located at the altitude of 4,000 meters and are bounded by snow-capped mountains. नुब्रा वैली में जो चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है, इट इज़ अ डबल हम्प कैमल राइड, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हो होता हुआ, एंड वहाँ पे यू हैव द टिकट काउंटर, वहाँ से आप टिकट लेते हो। टिकट कॉस्ट इज़ 350 रुपीज़ पर पर्सन, एंड द राइड इज़ अराउंड 15 मिनट्स। तो यहाँ पे मेरा सेट रूट है, डेजर्ट से होते हुए एक सर्कल मार के यहाँ से वापस से आ जाते हैं। अपने यहाँ पे जो कैमल्स होते हैं इट इज़ सिंगल हम कैमल, यहाँ के जो कैमल्स हैं इट इज़ डबल हम कैमल। तो नुब्रा वैली में आपको आर्चरी करने मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है, पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं है, आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर से आ सकते हो। एंड 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है, थोड़ा सा ऑफ रोड है, बाकी उसके अलावा कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप वहाँ पे आके गाड़ी अपनी पार्क कर सकते हो, यहाँ पे आके आप ATV राइड्स कर सकते हो, यहाँ पे आप कैमल राइड्स कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ अगर आपको आर्चरी में इंटरेस्टेड है आर्चरी कर सकते हो, और वहाँ पे पीछे सैंड ड्यून्स है, सैंड ड्यून्स पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हम लोग जाएंगे अभी वहाँ पे सैंड ड्यून्स पे, वहाँ पे जाके हम लोग बैठेंगे। कुछ अराउंड 200 मीटर्स वॉक करने के बाद हम लोग पहुँचे प्रॉपर सैंड ड्यून्स में। एंड यहाँ पे लिटरली आपको ना डेजर्ट वाली फीलिंग आती है। हम लोग कल आए थे वो साइड पे गए पे थे, हमने बाइक पार्क करे थे, हमने सैंड के यहाँ तक चल के आया था, बट नॉट नोइंग कि आज हम लोग का पैंगोंग का प्लान कैंसिल हो जाएगा, हम लोग प्रॉपर डेजर्ट में वापस आएंगे। तो या यहाँ पर बैठने का प्लान है। ओके सो गाइज दिस इज़ द क्लिफ ऑफ दिस ड्यून, यहाँ से सीधा नीचे, तो हम लोग यहाँ पे ही बैठ जाएंगे। एक अच्छी सी सीट मिल गई हम लोग को, रिजर्व्ड, अवे फ्रॉम ऑल द टूरिस्ट। तो सैंड ड्यून्स के क्लिफ पे हम लोग आके बैठे हुए हैं, एंड द प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल, सो सरीन। वहाँ पे वो जो है ना डिस्किट मोनास्ट्री है, जहाँ पे हम लोग परसों गए थे, वो डिस्किट विलेज है। पीछे हुंडर जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, वहाँ पे मेन हाईवे, एंड दिस इज़ नुब्रा वैली। तो यही चीज़ की देखने के लिए, यही चीज़ फील करने के लिए पब्लिक ले से नुब्रा लगाती है। यहाँ पे बैठ बैठ के मैं बोर हो गया था, एंड नीचे इतनी खूबसूरत क्लिफ है, मेरे को धूमटू का सीन याद आ गया, जहाँ पे पहली चोरी थी ऋतिक रोशन की, जहाँ पे वो लिबिया डेजर्ट में उतरता है एंड उसके ऊपर स्नो बोर्ड होता है, एंड वो बोर्ड से वो ऐसा डेजर्ट में ऐसा फुल स्नो बोर्डिंग करते हुए। अब मैं ऋतिक रोशन हूँ नहीं और मेरे पास स्नो बोर्ड तो है नहीं, तो मैं अपना जूते निकाल दिया। अब पहले से आई एम थिंकिंग टू गो डाउन एंड देन कम बैक अप अगेन। इतने अंदर लग धस रहे, चढ़ने में जान निकलने वाली है मेरी। बहुत थक गया। As you can see वो पूरा सैंडस्टॉर्म है, मतलब हवा की वजह से ना पूरा सैंड उड़ रहा है हवे में। कुछ अराउंड 5:30-5:30-6 बज रहे हैं, एंड अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ रही है। एंड हम लोग अराउंड कुछ 45 मिनट्स यहाँ पे बैठे, टाइम स्पेंड किया, चिल किया, एंड इट वाज प्रीटी पीसफुल। तो अभी हम लोग को लग रही है भूख, दोपहर का खाना हम लोग के होटल में इंक्लूडेड नहीं था, तो दैट्स व्हाई नाउ वी विल बी गोइंग टू डिस्किट, जो कि यहाँ से पीछे कुछ यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे जाएंगे, कुछ लाइट सा कुछ खा लेंगे, देन विल बी हेडिंग बैक टू द होटल, एंड फिर वहाँ पर जाके रेस्ट करेंगे, फिर रात का डिनर करेंगे, एंड फिर कल मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे पैंगोंग लेक के लिए।